स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड का नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसका नाम है एनवीसीजी का मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। आइए बताते हैं। देखिए, ये रूल आपको क्या बताना चाहता है, सुनिएगा। सपोज हम आपसे कहें कि पीसीएल 5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, समझिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि ठीक, आइए, जैसे हमें पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 2.8.5, क्लियर, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 2.8.7। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने एक फास्फोरस को सेंटर में रखा। PCl5 का सेंटर एटम क्या है? जो सिंगल एटम होता है वही ज्यादातर सेंटर एटम होता है, तो PCl5 का सेंटर एटम हो गया फास्फोरस। फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन एटम अटैच है? 5, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, अब फास्फोरस की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, तो फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रख लिया। क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर एक एलिमेंट चाहता है उसका ऑक्टेट पूरा हो। हम फास्फोरस और क्लोरीन दोनों का ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। हम फिलहाल क्लोरीन को देखते हुए क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करते हैं। देखिए, क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है या तो उतने इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो शेयरिंग करता है, या तो डोनेट करता है, या तो फिर गेन करता है। क्लोरीन की आउटर मसल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस की आउटर मसल में 5 है। कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों को ही अपना ऑक्टेट पूरा करना है। डोनेट तब करता है जब किसी की वैलेंस शेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेटल होते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बट यहाँ तो दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों की ही वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, समझ लो, ना ही कोई गेन करेगा। दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, और जो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है उतने इलेक्ट्रॉन्स दोनों को ही मिलते हैं। तो देखिएगा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1-1 की शेयरिंग कर लिया 8 हो गया। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1-1 की शेयरिंग कर लिया 8 हो गया। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1-1 की शेयरिंग कर लिया 8 हो गया। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1-1 की शेयरिंग कर लिया 8 हो गया। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1-1 की शेयरिंग कर लिया। हम सिर्फ क्लोरीन पर ही फोकस किए थे, हम सोच रहे थे क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो 7 थे, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने 1 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहा था, तो क्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। जैसे ही हमने फास्फोरस पर फोकस किया तो देखा कि फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स की ही रिक्वायरमेंट थी। अब फास्फोरस को सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड थी, तो 5 तो थे, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। और हमें पता है किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए। अब यहां क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हुआ, बट फास्फोरस डिस्टर्ब हो गया। फास्फोरस ने 5 क्लोरीन से शेयरिंग करके अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स और कर लिए। तो देखिएगा इसके बाद का स्ट्रक्चर, ये अपना फास्फोरस है, इधर क्लोरीन के साथ 1 की शेयरिंग करी, इधर भी क्लोरीन के साथ 1 की शेयरिंग करी, इधर भी क्लोरीन के साथ 1 की शेयरिंग करी, इधर भी क्लोरीन के साथ 1 की शेयरिंग करी, इधर भी क्लोरीन के साथ 1 की शेयरिंग करी। तो क्या हुआ,
फास्फोरस की वैलेंस सेल में, फास्फोरस की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। 5 तो पहले से ही थे, 5 से शेयरिंग कर ली तो 5 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गया। दूसरी बात, वैलेंसी ऑफ फास्फोरस 5 हो गया, जो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है उसकी उतनी ही वैलेंसी। फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो वैलेंसी 5। एंड विच सिजिविक ने बताया था, एलिमेंट की वैलेंस सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी रह सकते हैं, यानी ऑक्टेट से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एलिमेंट की वैलेंसी मोर देन 4 भी हो सकती है, एलिमेंट की वैलेंसी मोर देन 4 भी हो सकती है, यानी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से मैक्सिमम भी हो सकती है, इसीलिए इसको कहते हैं NV-Cygevic का मैक्सिमम कोवैलेंस रूल। भाई इसमें यह बताया गया कि एलिमेंट की वैलेंस सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी रह सकते हैं, एलिमेंट की वैलेंसी मोर देन 4 भी हो सकती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल। चूंकि ये रूल जो है NV-Cygevic ने दिया था, इसलिए इसको NV-Cygevic का मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल कहते हैं। क्या लिखा है देखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एलिमेंट शुड शो इट्स मैक्सिमम वैलेंसी, ऐसा आवश्यक नहीं है कि एलिमेंट की वैलेंसी मैक्सिमम हो। व्हाइल फॉर्मिंग अ कंपाउंड, कंपाउंड बनाते समय इफ अ कंपाउंड कैन बी फॉर्मड विद लोअर वैलेंसी द एलिमेंट मे फॉर्म द कंपाउंड विदाउट कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एलिमेंट शुड शो इट्स मैक्सिमम वैलेंसी व्हाइल फॉर्मिंग अ कंपाउंड इफ अ कंपाउंड कैन बी फॉर्मड विद लोअर वैलेंसी द एलिमेंट मे फॉर्म द कंपाउंड विदाउट कंप्लीटिंग। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंगेज, इसमें क्या बताया गया, ये साइंटिस्ट थे सगडन, इन्होंने ही ये रूल दिया था। देखिएगा, इन्होंने अपने बारे में, इस रूल के बारे में क्या बताया, मतलब इन्होंने भी यही कहा, एग्जांपल इन्होंने भी PCl5 का ही लिया। फास्फोरस की आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ठीक, क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। आइए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, पी सीएल 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 सीएल, फास्फोरस की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देखिएगा क्लोरीन के पास 7 है। अब हम लोग इस बार दोनों को ही देखते रहेंगे, फास्फोरस को 5 है, 3 की रिक्वायरमेंट है, क्लोरीन के पास 7 है, 1 की रिक्वायरमेंट है। क्लोरीन के पास 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1-1 की शेयरिंग कर लिया, इसके पास 8 हो गया। फास्फोरस के पास 5 थे, 1 की शेयरिंग कर लिया, इसके पास 6 हो गया। इसके पास 7 है, 1 कम पड़ा, 1 की शेयरिंग कर लिया, 8 हो गया। फास्फोरस के पास 5 थे, इधर 6 हो गया, इधर 7 हो गया। इसके पास 7 है, 1 की रिक्वायरमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फास्फोरस के पास 5 था, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब फास्फोरस कहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम शेयरिंग नहीं करेंगे किसी भी एटम के साथ। बट ये दोनों क्लोरीन कहते हैं हमारा तो ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट हुआ है, तो तुमको तो शेयरिंग करनी ही पड़ेगी, तुम शेयरिंग नहीं करोगे तो मेरा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा। फास्फोरस कहता है हम तुम्हारी वजह से अपना ऑक्टेट थोड़ी रजिस्टर करेंगे, अरे मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, हम अगर शेयरिंग कर लेंगे तो मेरे पास 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑक्टेट रूल ही फेल हो जाएगा। तो क्लोरीन कहते हैं तो हम क्या करें, मेरा ऑक्टेट तो पूरा ही नहीं हुआ है। तो फास्फोरस कहता है काम करते हैं, मेरे पास ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, आप दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिए दे रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए दे रहे हैं, तो आपका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मेरा ऑक्टेट डिस्टर्ब भी नहीं होगा, दोनों का ही काम चल जाएगा।
तो देखिएगा इसी स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे ऐसे, क्लोरीन के साथ वन की शेयरिंग इधर हुई, वन की शेयरिंग इधर हुई, वन की शेयरिंग इधर हुई, इधर इन्होंने एरो लगा के रखा हुआ है और इधर भी इन्होंने एरो लगा के रखा हुआ है। तो हमको देखने में ये मिल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस सिर्फ 8 ही हुए। क्यों? फास्फोरस के पास 5 थे, 6, 7, 8। अब इसके अंदर शेयरिंग नहीं गई तो 80 इलेक्ट्रॉन्स है। फास्फोरस केवल 3 से शेयरिंग करी है। तो वैलेंसी ऑफ फास्फोरस हो गया 3। 3 की वैलेंसी इनकी 3 हो गई, मतलब इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सगडन। सगडन ने बताया, कहा था किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी मोर देन 4 नहीं होनी चाहिए, यानी एलिमेंट 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ना करे, इस बात का ध्यान रखना होगा। इन्होंने कहा किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी मोर देन 4 नहीं होनी चाहिए, एलिमेंट की वैलेंस सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होने चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो और कुछ एलिमेंट्स बच जाएं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक डिफरेंट टाइप का, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड। इसको हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उसकी तरफ एरो का फॉरवर्ड वाला पार्ट रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी तरफ एरो का बैकवर्ड वाला पार्ट रहेगा। ठीक, क्या बताया? इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सगडन। ही अज्यूम्ड दैट एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं ये अज्यूम करते हैं किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम की वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, कैन नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। In the compound in which an atom show higher covalency than its group, किसी भी element की valency इसके group से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, ये आपका concept of singlet linkage bond का हो गया। ठीक, मतलब इस rule में ये बताया गया कि एक scientist बता रहे हैं कि element की valency cell में 8 से ज्यादा electrons भी रह सकते हैं, element की valency more than 4 भी हो सकती है, और एक साइंटिस्ट बता रहे हैं कि एलिमेंट की वैलेंस सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। कुछ भी हो जाए एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी कंसेप्ट पे दो और एग्जांपल भी होते हैं, आइए बताते हैं आपको बाकी के दो एग्जांपल। सपोज आपसे कोई कहता है SF6 का एग्जाम्पल बनाइए इनके अकॉर्डिंग। देखिए कैसे बनाएंगे, सल्फर का 16 तो 2, 8, 6। क्लियर, सल्फर के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। फ्लोरीन की कोई बात करे तो 2, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, सल्फर रख लिया और हमने फ्लोरीन को रख लिया, ये देखिए अब F के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 होगा। F की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सल्फर को सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है। बट NV6 क्या कहते हैं, इसके पास 1 की रिक्वायरमेंट है, 1-1 की शेयरिंग करेगा सिंगल बॉन्ड, इसके पास 1 की रिक्वायरमेंट 1-1 की शेयरिंग होगी सिंगल बॉन्ड, 1 की रिक्वायरमेंट 1 की शेयरिंग करेगा सिंगल बॉन्ड, 1 की रिक्वायरमेंट 1 की शेयरिंग करेगा सिंगल बॉन्ड, 1 की रिक्वायरमेंट 1 की शेयरिंग करेगा सिंगल बॉन्ड, 1 की रिक्वायरमेंट 1 की शेयरिंग करेगा सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर क्या हुआ है, ठीक समझिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर भैया 12 हो गए। सल्फर के पास 6 तो पहले से, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो जितने की शेयरिंग करता उतने ही बॉन्ड, 6 बॉन्ड का मतलब सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो 6 पहले से और 6 की शेयरिंग कर ली तो 12 हो गया। बात करते हैं वैलेंसी की, वैलेंसी ऑफ सल्फर ये हो गया 6, सल्फर ने
सिक्स इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके सिक्स बॉन्ड बनाए तो सल्फर की वैलेंसी हो गई कितने, सिक्स। चलिए इधर हम बात करते हैं SF6 की, ठीक। सल्फर का 16, 2.8.6, फ्लोरीन का 9 होता है तो 2.7 हो गया। सल्फर को रखेंगे सेंटर पर, ये लीजिए फ्लोरीन 1, सॉरी सल्फर को सेंटर पर रखना है 1 1 1 1 1 और फाइनली। अब F को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हो गया। F को 1 चाहिए, 8 हो गया। सल्फर के पास 6 से 1 की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, 7 हो गया। इधर 1 की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, 8 हो गया। सल्फर कहता है भैया मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब शेयरिंग एरिंग नहीं करेंगे। फ्लोरीन कहते हैं ये 4 फ्लोरीन बच गए, कहते हैं मेरा ऑक्टेट नहीं पूरा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। सल्फर कहता है 6 थे मेरे पास, मैंने 1 इधर शेयरिंग में लगा लिया, 1 इधर, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। मेरे पास 6 थे, ऑक्टेट पूरा हो गया और तुम भी शेयरिंग करके, ठीक। अब ऑक्टेट पूरा हो गया तो हम शेयरिंग तो नहीं करेंगे, आपको 1 1 चाहिए और मेरे पास 4 बच रहे हैं, मैं चाहूं तो तुम सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। तो सल्फर क्या करता है कि सभी को 1 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। अगर सल्फर सबको 1 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो देखना वैलेंसी ऑफ सल्फर 2, सल्फर ने सिर्फ 2 की शेयरिंग करी है इसलिए वैलेंसी 2। बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर, सल्फर की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 से 2 की शेयरिंग करी तो 8 हो गया। तो देखो सगडन के अकॉर्डिंग वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा नहीं हुए, वैलेंसी भी 4 से ज्यादा नहीं हुई। एल्विस सिजर के अकॉर्डिंग वैलेंसी 4 से ज्यादा हो गई और वैलेंस सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए। ये होता है मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल और सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड, ठीक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है बट नाइट्रोजन की 3 होती है। PCl5 बनता है बट NCl5 कैन नॉट बी फॉर्म, NCl5 नहीं बनता है। इसका रीजन क्या होता है, सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताएंगे, इसके पीछे हाइब्रिडाइजेशन का रीजन। क्वेश्चन पूछा जाता है P की वैलेंसी 5 होती है बट नाइट्रोजन की 3। देखिए फास्फोरस का 15, अगर हम इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करें तो क्या होगा, 2.8.5। इस तरफ नाइट्रोजन का करते हैं 2.5। डेफिनेशन होती है वैलेंसी की, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करने पर उसकी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही वैलेंसी। तो फास्फोरस की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस की वैलेंसी 5, नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 5 होनी चाहिए बट नहीं होती। किसी भी एलिमेंट की वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वही उसकी वैलेंसी। तो फास्फोरस की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस की वैलेंसी 5, नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी होनी चाहिए 5, बट नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, फास्फोरस की 5 भी होती है और 3 भी। इसके पीछे रीजन क्या है आइए बताते हैं। अगर इसका आप बाउ प्रिंसिपल से करें तो देखिएगा 1s2 सेकंड सेल है तो 2s2 2p6, थर्ड सेल है 3s2 3p3, अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे तो 3d0। क्या करेंगे, फास्फोरस एट ग्राउंड स्टेट, फास्फोरस को हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं कैसे, लास्ट के सेम नंबर वाले सेम एनर्जी वाले सारे सबसे लुटाएंगे। तो 3s ले लिया, s में एक बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, 3p p के पास 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3, 3D में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो 3D ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहेगा फिलहाल के लिए, 2 3 4 5। अब अगर हम ग्राउंड स्टेट देख रहे हैं तो देखो 1 1 1
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी? अनपेयर्ड, ये तो डबल है, पेयर इससे नहीं मतलब है, अनपेयर्ड कितने हैं, सिंगल सिंगल कितने हैं? 1, 2, 3, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी उतनी ही होती है। तो भैया वैलेंसी हो गई 3। अब हम बात करेंगे फास्फोरस एट एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। चलिए 3s 1 2, 3p की बात करते हैं 1 2, 3d की बात करते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर 1 1 1। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल से, जिसका एनर्जी लेवल कम होता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के हायर एनर्जी लेवल में जो वैकेंट होता है वहां पे इंटर कर जाता है। जैसे 3s का एनर्जी लेवल बहुत कम है इन कंपैरिजन टू 3d के, और 3s ऑर्बिटल जो है फुलफिल्ड है और पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल किसी दूसरे ऑर्बिटल से कंबाइन नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता है। ओवरलैपिंग का मतलब ऑर्बिटल का कंबाइन होना, और ऑर्बिटल को कंबाइन होने के लिए यानी ओवरलैपिंग होने के लिए ऑर्बिटल को अनपेयर्ड होना चाहिए, तो इसको अनपेयर्ड करना पड़ेगा। अनपेयर्ड कैसे करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में फुलफिल्ड ऑर्बिटल से जो कि लो एनर्जी लेवल का होता है वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पहुंच जाता है जिसका एनर्जी लेवल हाई हो और वैकेंट हो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आ जाएगा, तो होगा क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां आ गया। तो देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड 5 हो गया, इसलिए वैलेंसी हो गई 5। इस वजह से फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में 3 वैलेंसी एग्जिस्ट करता है और एक्साइटेड स्टेट में 5, इसी वजह से फास्फोरस की वैलेंसी 3b होती है एंड 5b। इस वजह से पी के 2 फॉर्मूले बनते हैं, PCl3 3 वैलेंसी की वजह से और PCl5 5 वैलेंसी की वजह से। बट नाइट्रोजन का केस देखते हैं 2.5, 1s2 2s2 एंड 2p3। अगर हम चाहें कि 2d लिख लें, सुनिएगा, और 0 कर लें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। s फर्स्ट ऑर्बिटल होता है तो 1 से स्टार्ट, पी सेकंड ऑर्बिटल होता है तो 2 से स्टार्ट होता है, डी थर्ड ऑर्बिटल होता है तो डी सीधे थर्ड से स्टार्ट होता है, और अभी हमारी फर्स्ट सेकंड से ली चल रही है, तो 2 नंबर पे डी ऑर्बिटल आता ही नहीं, यानी 2d ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं होता है। अब अगर 2d ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं होता तो 2d लिखेंगे ही नहीं, समझिएगा, 2d पॉसिबल नहीं होता तो लिखेंगे ही नहीं। तो हम नाइट्रोजन एट ग्राउंड स्टेट की ही बात कर पाएंगे, यहां सेम एनर्जी लेवल की वजह से 2s 1 2 2p 1 1 1 1 1 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 1 1 1, ठीक, अनपेयर्ड 3 हो गए। अब अगर इसमें एक्साइटेड स्टेट होती तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2d में चला जाता, पर 2d ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं होता, इसमें एक्साइटेड स्टेट ही नहीं बन पाएगी, इसकी वैलेंसी 3 ही रहेगी 2d ऑर्बिटल ना होने की वजह से, वैलेंसी कितनी होगी 3, ठीक, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल एब्सेंस होने की वजह से वैलेंसी जो है नाइट्रोजन की 3 होगी। इस वजह से NCl3 तो बन सकता है, बट NCl5 कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सेम इसी तरह से सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है और 6 भी, बट ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो होती है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से ऑक्सीजन 6 वैलेंसी रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक। क्लोरीन की वैलेंसी 1 भी होती है, 7 भी, क्योंकि 2, 8, 7,
थर्ड सेल को मिलेगी तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, तो वैलेंसी 1B और 7B। बट फ्लोरीन का केस देखेंगे तो वैलेंसी 1 तो होगी 7B, क्योंकि 2,7 दो ही सेल डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा। तो जिन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते, जिनमें मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है यानी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उनकी वैलेंसी ही वेरिएबल होती है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।